हेलो दोस्तों, मेरी चैनल ब्यूटी बाय बिनाइफा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मेकअप ट्यूटोरियल, जिसमें मैं इंडियन ब्राइडल मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ पिंक एंड गोल्डन आई मेकअप के साथ। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। ब्राइडल मेकअप शुरू करने से पहले बहुत ज़रूरी होता है पूरी तरह से स्किन को प्रेप करना, स्किन केयर करना अच्छे से, और इसीलिए मैं सबसे पहले लगा रही हूँ ये एलोवेरा जेल। अच्छे से इसे पूरे चेहरे पर मसाज करके लगा दूंगी ताकि मेरा चेहरा अच्छे से हाइड्रेटेड रहे। अब मैं ले रही हूँ इंडल्जो एसेंशियल्स का वंडर गोल्ड ऑयल। इसके 3-4 ड्रॉप्स मैं लूँगी अपने हाथ पर, पाम के बीच इसे रब करूँगी ताकि ये थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, और फिर इसे इस तरह प्रेस कर दूँगी अपनी स्किन के अंदर। इससे स्किन को इल्यूमिनेशन भी अच्छा रहेगा, और मेरी स्किन ड्राई है तो इससे जो एक्स्ट्रा हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन मिलता है ये भी मेरी स्किन में अंदर लॉक हो जाएगा। उसके बाद मैं ले रही हूँ इंडल्जो एसेंशियल्स का पाउटिट, और इससे मैं अपने लिप्स को हाइड्रेट कर दूंगी। अब लेते हैं ये ब्राउ ब्रो प्रोडक्ट और इंडल्जो का ही टोनर, इस पे थोड़ा सा स्प्रे करके फिर इसी की स्पूली से आईब्राउज को अच्छे से कोम करके सेट कर दूंगी। नेक्स्ट मैंने लिया है ये स्विस ब्यूटी का 2-in-1 जेल आईलाइनर कम ब्राउ प्रोडक्ट, और इसी के साथ जो ब्रश आता है उससे मैं अपने आईब्राउज को पहले ड्रॉ कर लूंगी और उसके बाद फिलअप कर लूंगी। मेरे आईब्राउज बहुत थिन है तो मुझे थोड़ा सा हल्का सा ओवर ड्रॉ करना पड़ता है। अब मैं इसे फिल करूंगी अच्छे से और इसके बाद चलेंगे आई मेकअप की तरफ। अब मैं ले रही हूँ एक्वा कलर आई शेडो पैलेट, फॉरएवर 52 का पैलेट है ये, और इसमें से ये डार्क पिंक जो कलर है वो मैं लेकर क्रीज लाइन में लगाऊंगी और बाहर की तरफ इसे थोड़ा विंग आउट भी करूंगी, क्योंकि मैं कट क्रीज बनाने वाली हूँ तो उस हिसाब से मैं क्रीज पे ये कलर को लगा रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर इन द शेड 02, और इसे मैं अपनी आईलिड पर लगाऊंगी ताकि मैं अच्छे से क्रीज को कट करके आईलिड को क्लीन कर सकूं। पहले मैं ब्रश की मदद से कंसीलर को लगा लूंगी पूरी आईलिड पर और फिर उंगली की मदद से इसे प्रेस कर दूंगी स्किन के अंदर ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और जो आई शेडोज मैं इसके बाद लगाने वाली हूँ उसके साथ मिक्स ना हो जाए। अब दोबारा से उसी पैलेट में से मैं ये लाइटर पिंक कलर ले रही हूँ और इसको मैं आईज के आउटर वी में लगाऊंगी इस तरह से कि एक सेकंड विंग क्रिएट हो जाएगा। जो पहले हमने विंग क्रिएट किया है बिल्कुल उससे पैरेलल उसके नीचे हम ये दूसरा विंग क्रिएट करेंगे इस पिंक कलर से। अब उसी पैलेट में से मैं ब्लैक आई शेडो लूँगी और एंगल ब्रश की मदद से जो हमने सेकेंड विंग क्रिएट किया है उसी के ऊपर इसे हल्के हल्के लगाऊंगी ताकि एक स्मोक्ड आउट इफेक्ट क्रिएट हो जाए। आईलिड के इनर हाफ में लगाने के लिए मैं ले रही हूँ यूरोप गर्ल का ये प्रेस ग्लिटर पैलेट, और इसमें से ये जो गोल्डन ग्लिटर है ये मैं लेकर एक फ्लैट आई शेडो ब्रश की मदद से आईलिड पर अच्छे से लगा दूंगी। इनर हाफ में लगाना है, आईलिड के इनर हाफ में ये गोल्डन ग्लिटर अच्छे से लगाना है। इसे प्रेस करते हुए ही लगाना है क्योंकि ये प्रेस ग्लिटर है, इसमें ग्लू वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, पर अगर आप इसे स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे तो ये काफ़ी फॉल आउट हो जाएगा, तो इसे धीरे धीरे प्रेस करके ही लगाएं। वापस से मैंने वही वाला पिंक शेड लिया है जिसकी हमने सेकेंड विंग बनाई थी और उसी को आईलिड के आउटर हाफ में लगाकर गोल्डन ग्लिटर के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। आईलाइनर के तौर पे मैं फिर से वही स्विस ब्यूटी का 2-in-1 जेल आईलाइनर कम आईब्रो प्रोडक्ट को ले रही हूँ और उसी के एंगल ब्रश से अच्छे से अपनी आईलिड को आउटलाइन कर दूंगी। माई ग्लैम के चिजलिट पैलेट में से मैं ले रही हूँ ये हाइलाइटर और इसे आईज के इनर कॉर्नर में और आईब्रोज के नीचे लगा दूंगी। अब चलते हैं फेस मेकअप की तरफ, और इसके लिए मैं सबसे पहले लगाऊंगी एले गर्ल का ये ऑरेंज कलर करेक्टर। जहाँ कहीं भी मुझे पिगमेंटेशन है, थोड़ी सी डार्कनेस है, उन सभी जगहों पर मैं इसे लगा दूंगी इसी के अपने एप्लीकेटर से, और फिर उंगली की मदद से इसे स्किन में प्रेस कर दूंगी। इसे फैलाना नहीं है, सिर्फ प्रेस करना है उन जगहों पर जहां पर हमें थोड़ी सी डार्कनेस है। एक बार ये अच्छे से प्रेस हो जाए उसके बाद मैं ब्रश की मदद से हल्का सा थोड़ा सा पाउडर लूंगी
और इस पर लगा दूंगी। ये भी मैं प्रेसिंग मोशन में ही कर रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा हमें इसे फैलाना नहीं है, सिर्फ स्किन के अंदर सेट करना है। मैं पाउडर इसलिए लगा रही हूँ ताकि ये जो कलर करेक्शन हमने किया है, कलर करेक्टर लगाया है, वो फाउंडेशन के साथ मिक्स होकर स्प्रेड ना हो जाए। अब लगा रही हूँ मैं मेबेलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन, जो एक फुल कवरेज फाउंडेशन है, लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है। तो ब्राइड्स के लिए आपको ऐसे ही प्रोडक्ट्स लेने चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग हो और जिनकी कवरेज फुल हो। आप देख सकते हैं इसकी कवरेज बहुत ही अच्छी है। इसे मैं एक मॉइस्ट स्पॉन्ज की मदद से अपने चेहरे पर ब्लेंड कर दूंगी। और याद रखिए, जहां हमने कलर करेक्शन किया है वहां पे हमें इसे सिर्फ डैब डैब करते हुए ही लगाना है, हमें इसे स्प्रेड करते हुए नहीं लगाना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा पूरा चेहरा ऑरेंज ऑरेंज दिखने लग जाए, कलर करेक्टर पूरे चेहरे पर फैल जाए। अब लेते हैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर, लिक्विड कंसीलर इन द शेड 02, जो मैंने पहले आईलिड पर भी यूज़ किया था, और इसे अपनी आईज के नीचे, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो, और जहाँ कहीं भी हमने कलर करेक्शन किया था उन जगहों पर मैं थोड़ा थोड़ा लगा दूंगी। और इसे उसी स्पंज से ब्लेंड करेंगे जिससे हमने फाउंडेशन ब्लेंड किया था, ताकि कोई ऐसा स्टार्क कलर डिफरेंस ना रहे, सब कुछ सीमलेस लगे और अच्छे से ब्लेंडेड लगे। ब्राइडल मेकअप करते समय ध्यान रखें, आप जो भी अपने बेस मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं वो अपने गले पर भी ज़रूर लगाएं, वरना आपके गले की स्किन और आपके चेहरे की स्किन अलग दिख सकती है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब चलते हैं कॉन्टोरिंग की तरफ, और कॉन्टोरिंग के लिए मैंने लिया है शुगर का ये कॉन्टोर स्टिक, और आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने अपने चेहरे पर इसे लगा लिया है, और अब उसी मॉइस्ट स्पॉन्ज की मदद से मैं इसे अपने चेहरे में ब्लेंड कर दूंगी। अगेन, कोई स्टार्क लाइंस नहीं दिखनी चाहिए, ब्लेंडिंग बहुत ही सीमलेस होना चाहिए, और डैब डैब करते हुए जो चीक पे होता है वो अपवर्ड मोशन में करना है आपको ब्लेंडिंग। नोज की साइड्स को भी हम हल्का सा कॉन्टोर करके ब्लेंड कर देंगे, और ये हमारी कॉन्टोरिंग हो चुकी है। अब चलते हैं लोअर लैश लाइन के मेकअप की तरफ, और वही जो पिंक कलर मैंने सेकेंड टाइम लिया था सेकेंड विंग के लिए, उसी को हाफ लैश लाइन में लगा लेंगे, लोअर लैश लाइन पे आउटर हाफ में लगा देंगे। लैक्मे के इस आई शेडो पैलेट में से मैं ये गोल्डन कलर लूंगी, और इनर हाफ ऑफ द लोअर लैश लाइन पर मैं इसे लगा दूंगी और पिंक के साथ ब्लेंड कर दूंगी। मैं लूंगी ये फॉरएवर 52 का काजल, और इसे मैं लोअर लैश लाइन में लगा दूंगी, और इसके साथ हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो जाता है। अब मैं स्विस ब्यूटी का ये बेक्ड ब्लशर हाइलाइटर पैलेट लूंगी, और इसमें से मैंने ये जो पीच कलर का ब्लश है वो लिया है, और अपने एप्पल्स ऑफ द चीक्स पर इसे अच्छे से लगा दूंगी और ब्लेंड कर दूंगी। माई ग्लैम चिजलेट पैलेट से मैंने हाइलाइटर लिया है और इसे हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस पर लगा दिया है। अब मैंने हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है अपने पाउडर ब्रश पर, और इसे मैं पूरे चेहरे पर थोड़ा सा हल्का सा लगा दूंगी, जिससे सारे क्रीम प्रोडक्ट्स अच्छे से सेट हो जाएंगे। अब मैं ले रही हूँ एस्टे लॉडर का ये लिपस्टिक, जो कि एक डार्क पिंक फूशिया पिंक कलर है, और इसे अच्छे से अपने लिप्स पर लगा कर उसके बाद मैं फॉल्सीज लगा रही हूँ अपनी आईज पर, और मेकअप सेटिंग स्प्रे स्मैश बॉक्स का जो प्राइमर वाटर है, इसी को मैं मेकअप सेटिंग स्प्रे के तौर पे यूज करके पूरा मेकअप सेट कर दूंगी। स्पॉन्ज की मदद से मैं इसे भी अपनी स्किन में डैप कर दूंगी, और ये है मेरा फिनिश्ड लुक। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, ये लुक अच्छा लगा होगा, और अगर लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, मुझे नीचे कमेंट करके आपके व्यूज जरूर शेयर करें। अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, बाय बाय।